नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप बताऊंगा कि आप अपने घर से अपने मोबाइल से रेलवे प्लेटफार्म टिकट बुक कैसे करेंगे बिना लाइन में लगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर में और यहां पर सर्च में डालना है UTS। देखिए UTS ऐसा डाल देना है, ये जो है दिखाई दे रहा है आपको UTS जो है, ये देखो दिखाई दे रहा है UTS आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सर्च कर देना है। तो सर्च में कर दिए और देखिए दोस्तों ये ऐप है, इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ओपन लिखेगा, तो इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद क्या दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर क्या कर देना है, आपको लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। देखिए दोस्तों आप जब नीचे करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर लिखा है, तो रजिस्टर पर क्या कर देना है, आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको नंबर डालना है और नाम डालना है, पासवर्ड डालना है और डबल दोबारा पासवर्ड डालना है। जो जो पासवर्ड इसमें डालेंगे वही पासवर्ड इसमें डालना है। वहाँ पर जनरल आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप लड़की हैं लड़का है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अपनी जन्मदिन को डालना है और यहाँ पर क्लिक कर उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ये सारे ऑप्शन को हम भर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने सारा ऑप्शन डाल दिया, मोबाइल नंबर, नाम, पासपोर्ट, ईमेल और जनरल जो है, और उसके बाद अपने जन्मदिन, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मोबाइल जो आपने डाला है मोबाइल नंबर, उस पर OTG जाएगा। उस OTG को क्या करना है, इसमें डाल देना है। OTG डालने के बाद यहाँ पर सबमिट जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना है, ये दूसरे पेज पे लेके जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा पेज होगा। देखिए दोस्तों ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर बोल रहा है मोबाइल नंबर और अपनी पासवर्ड को डालें। तो चलिए हम इसमें मोबाइल नंबर अपने डाल देते हैं, पासवर्ड डालकर लॉगिन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, प्लेटफार्म टिकट बुक करना है। तो चलिए हम प्लेटफार्म टिकट पर, हम यहाँ पर जो तीसरे नंबर है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। प्लेटफार्म पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, तो आपको ये दो ऑप्शन है। एक है कि आप पेपरलेस टिकट आप चाहते हैं या प्रिंट कराकर टिकट लेना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप पेपरलेस पर आप क्या करें, क्लिक करें और थोड़ा सा वेट करें। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए दे रहा है कि अपने स्टेशन को कोड या नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके बगल में कोई नज़दीक में रेलवे स्टेशन है 5 किलोमीटर के लगभग आसपास में, तो वही स्टेशन का ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम शो कर देगा। देखिए गाजियाबाद हमारी जो नियर में पड़ता है वो गाजियाबाद है, तो ये ऑप्शन आ गया। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो उस स्टेशन का नाम यहाँ पर डालकर सर्च कर लें, तो गाजियाबाद आ रहा है तो हम गाजियाबाद पर क्लिक करेंगे। और एक बात दोस्तों, आप 5 किलोमीटर के आसपास में होंगे तो जिस स्टेशन के, उसी स्टेशन का आपको प्लेटफार्म टिकट मिलेगा। आप जौन सी स्टेशन का नज़दीक होंगे, आप 5 किलोमीटर अंदर जो भी स्टेशन आता होगा सब, उन सब का यहाँ पर नाम शो कर देगा, तो आप उसी के ले सकते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि मैं यहाँ पर हूँ और किसी के नाम से 50 किलोमीटर दूर है उसका प्लेटफार्म टिकट बना के भेज दूँ, नहीं, ये पर्सनल अपने लिए है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, गाजियाबाद पर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पैसे दिखा रहा है, 10 रुपये, और यहाँ पर 00 बैलेंस दिखा रहा है कि हमारे वॉलेट में बैलेंस नहीं है। 10 रुपये प्लेटफार्म का कीमत है, तो हम क्या करेंगे, बुक पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे फिर बुक पर क्लिक करेंगे, बुक टिकट जो है। थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि आप क्या से टिकट का पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम पेटीएम से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पेटीएम का मोबाइल नंबर डाल लेना है और उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डालकर प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा OTG का, आपके मोबाइल पे जो OTG आया इसको यहाँ पर डालकर क्लिक कर देना है। वेरीफाई जो लिखा है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। अगर आपके वॉलेट में पहले पैसा है तो आप उस पर क्लिक करें, नहीं तो अपने बैंक से करना चाहते हैं, UPI से करना चाहते हैं तो UPI से क्लिक करें, तो हम UPI से करेंगे। तो चलिए हम भी क्लिक कर देते हैं और पे हम ओके कर देते हैं। जैसे ही पे ओके करेंगे यहाँ पर भेज दिया मैसेज, आपको पेटीएम को खोलना है।
तो हम क्या करेंगे, बैंक जाएंगे। बैंक जाने के बाद क्या करेंगे, पेटीएम को हम खोलेंगे। पेटीएम को जैसे ही खोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा पे का, देखिए यहाँ पर 10 रुपये बोल रहा है पे करने के लिए। तो चलिए हम इसको यहाँ पर क्लिक कर दिए और उसके बाद अपनी पासपोर्ट और डालकर हम क्या कर देंगे, पेमेंट को कर देंगे। तो चलिए हम पासपोर्ट डाल लेते हैं, अपनी पासपोर्ट डाल लिया और क्लिक पर हम क्या करेंगे, कर देंगे। अभी थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा, ये यहाँ पर पेमेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब बैंक आएंगे और उसी में जाएंगे यहाँ प्रोसेस, और यहाँ पर दिखा रहा है आपका सक्सेसफुल हो गया, गाज़ियाबाद का टिकट जो है आपका पूरा हो गया। अब इसको क्या करना है, डन कर देना है, ठीक है। तो यही है आपका जो, देखिए यहाँ पर हमारा टिकट सब दे दिया। देखिए यहाँ पर 10 रुपये का टिकट है, प्लेटफार्म टिकट है और गाज़ियाबाद का है। और यहाँ पर सारे आप ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए गुड बाय दोस्तों।